हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ पे नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये आज हम देखते हैं। तो हमने ये मेजरमेंट के लिए ब्लाउज़ लिया है और ये ब्लाउज़ पीस लिया है। अब इसकी पहले कटिंग करेंगे। तो पहले कटिंग हम पेपर पर करते हैं। पहले हम इसकी कटिंग पेपर पर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर की जो कटिंग है तो हम ब्लाउज़ पीस पे रख के फिर ब्लाउज़ पीस की कटिंग करते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की, जैसे पहले हमें बैक साइड में लंबाई नापनी है। अब यहाँ पे जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, यहाँ से हम यहाँ तक पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच। यहाँ पे हम बैक साइड का गला नापेंगे, तो ये सीधा इस तरह से नापते हैं, तो ये है 9.5 इंच। फिर हम फ्रंट साइड से ये नाप लेते हैं। जैसे चेस्ट का हम 1/4 निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 निकालना है, तो ये आता है 9.5 इंच। अब यहाँ पे हम इसका कमर का नाप लेंगे। जैसे ये एक्स्ट्रा पट्टी है, ये जो पट्टी है एक्स्ट्रा पट्टी है, पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम कमर का नाप लेते हैं। ये आते हैं 32 इंच, यानी कि 32 इंच कमर का नाप आता है। तो पहले हमने ब्लाउज़ की लंबाई ली थी, तो ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। जैसे ब्लाउज़ की लंबाई ली, ब्लाउज़ की लंबाई थी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम 14.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 14.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है। यहाँ पे हम सीधी एक लाइन लगाते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट का 1/4 लिया था हमने 9.5 इंच, तो हम 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 11 इंच। 10.5 11, यानी कि 1.5 इंच हमने इसमें प्लस किया है, तो 11 इंच हमारी ब्लाउज़ की चौड़ाई निकलती है। जैसे चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से पूरा यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे। जो साइड का पेपर था उसको हमने कट किया है। जैसे ये डबल पेपर हमने लिया है, बंद बाजू जो है ये अपने साइड में रखी है। अब यहाँ पे हम गले का नाप लेते हैं। तो गला लेंगे हम 2.5 इंच पे और शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच पे। आपको शोल्डर ज़्यादा चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2.5 इंच पे गला लेने से गला उतरता भी नहीं है और अच्छा बैठता भी है। और यहाँ पे आपको शोल्डर ज़्यादा चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। अब चेस्ट का 1/4 निकलता है हमारा 9.5 इंच, तो ये ब्लाउज़ हमारा 38 चेस्ट का हो गया है। तो यहाँ पे हम 38 चेस्ट के लिए आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे। 5.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। अब इसका हम पहले बॉक्स बनाएंगे। जैसे कमर का नाप आता है इसका 32 इंच, कमर का नाप आता है 32, तो हम आर्मोल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे फ्रंट साइड की और 2 इंच पे बैक साइड की। जब भी कमर का नाप 30 इंच के अंदर आएगा तो यहाँ पे हम 1 इंच पे गोलाई देंगे फ्रंट साइड की और 1.5 इंच पे गोलाई देंगे बैक साइड की। लेकिन ये 32, कमर का नाप हमारा 32 इंचेस है, इसीलिए हमने ये गोलाई दी है फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे और बैक साइड की 2 इंच पे। अब यहाँ पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे। इस तरह से हम आर्मोल का शेप देते हैं। ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है।
अब यहाँ पे हम गले का नाप लेते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर से हम सीधा यहाँ पे हम गले का नाप लेंगे, तो गला है हमारा 6 इंच, फ्रंट साइड का गला है हमारा 6 इंच, लेकिन हम आधा इंच इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 6.5 इंच हम गले का नाप लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे भी जैसे यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया था, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब इसका हम बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आप 1 या 1.25 इंच जैसा भी आपको डिप चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। तो हमने 1.25 इंच पे एक निशान लिए लगाया है। अब यहाँ पे हम गले की गोलाई देंगे। इस तरह से हमने गले की गोलाई दी है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच यहाँ पे लेना है और 2.5 इंच इस साइड से लेना है। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी नहीं है, क्रॉस पट्टी हम अलग निकालेंगे। क्रॉस पट्टी हम इसमें भी निकाल सकते हैं, जैसे 3.5 इंच यहाँ पे लेना है और 2.5 इंच यहाँ पे लेना है। आप इस तरह से क्रॉस पट्टी का शेप देके यहाँ पे आप कटोरी का नाप लेंगे तो भी चलता है, लेकिन ये 2.5 इंच की हम अलग क्रॉस पट्टी निकालेंगे तो बैक साइड और फ्रंट साइड या सिलने के टाइम कम ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम ये जो क्रॉस पट्टी है ये हम अलग निकालते हैं। जैसे ये 2.5 इंच का हमने एक निशान लगाया है, इसको हम सीधी लाइन लगाते हैं। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगाई है। अब ये जो कटोरी का नाप है, जैसे ये जो हुक हमने लगाए हैं इस साइड का, ये कटोरी का नाप लेना है। जैसे यहाँ पे हमने कटोरी ज्वाइन की है, यहाँ तक ये नापना है, तो ये आता है 6 इंच। ये जितना आता है उतना ही यहाँ पे लेना है। ये 2.5 इंच की जो लाइन हमने लगाई है, यहाँ पे हमने 6 इंच लेना है। उसके बाद जो फ्रंट साइड की गोलाई है यहाँ पे, तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, यहाँ से हमने 2.5 इंच लेना है। अब जो गले के ऊपर जो नाप लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये शोल्डर से यहाँ पे नापना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आता है 4.25 इंच। जैसे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं कटोरी, जो ये ज्वाइन किए हैं यहाँ पे हमें ये नापना है, तो ये आता है 4.25 इंच। तो हम इसमें 1.25 इंच मिलाना पड़ता है, यानी कि 5 इंच हमें यहाँ पे लेंगे। जैसे 4.25 इंच आया है, 1.25 इंच इसमें मिलाएंगे, तो ये 5 इंच पे एक निशान हमने किया है। तो ये 5 इंच का निशान है, ये 2.5 इंच का निशान है, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये 6 इंच का निशान लिया है, इसको हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे इसको हमें ज्वाइंट करना है। अब जैसे भी हमने मार्किंग किया है वैसे हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। जैसे कमर है हमारी 32 इंच, 32 इंच, तो हम 8 इंच पे इसका 1/4 लेंगे हम, 8 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच जो है यानी कि बैक साइड का जो टक्स होता है उसमें वो चला जाता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से आधा इंच का तिरछा कट देके हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे हमने सेंटर से इसको कट करना है। ये हुई हमारी बैक साइड और ये फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड कट करेंगे।
नीचे से ये हमारी फ्रंट साइड हो गई है, लेकिन ये क्रॉस पट्टी हम अलग निकालेंगे। तो ये जो कटोरी का पार्ट जो निकला है इसको हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। तो ये कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरा पेपर लिया है, इसके ऊपर अभी ये कटोरी इस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, फिर उसके बाद 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम इस तरह से ये कटोरी, ये 1.5 इंच की जो लाइन हमने लगाई है इसके ऊपर रख के फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये पहला जैसा है वैसा ही हम पहले निकालते हैं। फिर उसके बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये आया है हमारा, ये लिया था हमने 6 इंच, तो हम उसका सेंटर निकालेंगे 3 इंच पे। हमने 1.5 इंच पहले लिया था तो 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पहले लेना है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस साइड से भी 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये हमारा टक्स के लिए, जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेना है, यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम, ये हमारा टक्स के लिए हमने 1.5 इंच सेंटर से लिए हैं। फिर उसके बाद ये जो 3 इंच, जैसे ये 6 इंच हमारे कटोरी का पार्ट है तो उसका हाफ करेंगे यानी कि 3 इंच, तो हम इसके आगे 3 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच हमने लिया था, तो ये 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिया था तो उसके आगे हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और आधा इंच हमारा, आधा आपका कितना जितना भी आपका सिलाई में जाता है उतना आप सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लो। यानी कि 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है और जितना आपका सिलाई में जाता है तो उतना आप ले लो। तो यहाँ से जैसे ये सीधी लाइन है, यहाँ से यह ए लाइन तक हमें नापना है, ये आता है 2 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच लेना है, 2 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके बाद इसको हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सिलाई में जितना आपका जाता है उतना आप एक्स्ट्रा लेके फिर इसको ज्वाइन करना है। यहाँ से भी थोड़ा सा सिलाई में जितना आपका जाएगा उतना आप एक्स्ट्रा लेके फिर इसको राउंड शेप देना है। इस तरह से ये राउंड शेप देना है। तो ये बाहर के साइड का जो है उसको हम कट करेंगे। इस तरह से ये राउंड शेप देना है, इसके हमने कटिंग की है। अब यहाँ पे ब्लाउज का, जैसे ये जो हुक की साइड है, हुक के साइड से हम यहाँ पे इस तरह से नापेंगे जहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी ज्वाइन की है। यहाँ पे हमने ये जो क्रॉस पट्टी ज्वाइन की है यहाँ तक हम नापेंगे, तो ये आता है 4 इंच। तो यहाँ पे हमें ये नापना है, ये 4 इंच हमें यहाँ पे लेना है। इस साइड से हमें 4 इंच लेना है, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देके इसके हम कटिंग करेंगे। ये कटोरी हमारा ये इस तरह से आएगा। तो अभी क्रॉस पट्टी की कटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है, तो यहाँ हम 4 इंच लेंगे। यहाँ पे हमने 10.5 इंच लेना है।
यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से इसका क्रॉस पट्टी का हम शेप देते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी क्रॉस पट्टी आती है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे शोल्डर से हम स्लीव्स का नाप लेंगे, ये है 5 इंच, और यहाँ पे बॉटम नापेंगे स्लीव्स का तो ये है 6 इंच। तो हमने ये पेपर लिया है, पेपर को हमने डबल लिया है, बंद बाजू अपने साइड में रखी है। स्लीव्स की लंबाई है हमारी 5 इंच, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी 6.5 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। अब जहाँ पे हमने ये आर्मोल लिया था, आर्मोल को हम क्रॉस में नापेंगे। इस तरह से क्रॉस में हम आर्मोल को नापते हैं तो ये आता है 8 इंच, तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, सॉरी इसमें हमें 0.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 8.5 इंच। यहाँ पे हम सीधी लाइन लगाते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं, 1 इंच हम सीधा लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच सीधा लेते हैं। अब यहाँ पे हम आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ पे बॉटम है हमारा 6 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 7.5 इंच। यहाँ पे हम इस तरह से इसको कट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, ये इस तरह से आती है। तो ये हमने 38 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज की हमने ये कटिंग देखी है। तो अब इसको ब्लाउज पीस पे कैसे रख के कटिंग करते हैं।